हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वनस्य बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें बिहार बीएड 2024 के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को लेकर और उससे संबंधित फॉर्म भरने के बारे में। आपको फॉर्म कैसे भरना है, शुरुआत में क्या करना है, लास्ट में किन चीज़ों को फॉलो करना है, सारी की सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आपको फॉर्म भरना है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये स्टडी गाइड आप सभी के लिए बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके 100% गारंटेड सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। 2100 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, 600 पेपर भी आपको मिलते हैं। इतना ही नहीं, इस बुक के अंदर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ में उन सभी क्वेश्चन को लेकर सटीक और सही उत्तर माला देखने के लिए मिलती है। सटीक उत्तर माला के साथ साथ उन सभी उत्तर का आपको व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और साथ ही अब तक बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे गए सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड के साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने के लिए मिलता है, जिसको आप परचेस करके अपनी तैयारी और भी बेहतर बना सकते हैं। आप इस बुक को अमेजोन या फ्लिपकार्ट या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं। इन सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो देर किस बात की, अभी जाएं और परचेस करें, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। तो सबसे पहले आप सभी को जब ऑनलाइन आवेदन करना है तो उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जैसा कि लिखा हुआ है। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। फिर आपको नीचे आना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के लिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम डालना है, मिडिल नेम और लास्ट नेम। जैसे कि आपका नाम है राहुल कुमार शर्मा, तो राहुल कुमार शर्मा, यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर आपको जेंडर डालना है, पिता का नाम, माता का नाम, ईमेल आईडी। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है, कंफर्म पासवर्ड करना है। कंट्री कोड 91 ही रहेगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको ये लिखा हुआ कैप्चा कोड इसमें डाल देना है। उसके बाद आप साइनअप करेंगे। साइनअप करने के बाद आपके सामने जो अगली विंडो ओपन होगी उसको आप सभी चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक ये चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, उसके आगे क्या करना है तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ। उसके बाद आप सभी को आगे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको क्लिक करना है क्या करना चाहते हैं, बीएड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यार थोड़ी जानकारी दी गई, उसको आप चाहें तो पढ़ लेना, मुझे नहीं पढ़ना, सिर्फ काम की बातें देखनी है। अब यहाँ पे एप्लीकेंट की डिटेल हमने डाल दी है। अगली क्या है, फ़ोटो एंड सिग्नेचर, एजुकेशनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड, एग्ज़ाम सेंटर और प्रीव्यू एंड कन्फर्मेशन। ये कुछ स्टेप हैं जो आपको क्लियर करने हैं। हमने यहाँ पे ये क्लियर कर लिया था, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पहले ही हम कंप्लीट कर चुके हैं और जो इनकम्प्लीट है ना उसको आपको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे आप सभी का जो नेम है वो आ जाएगा, जैसा कि लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको डोमिसाइल डालना, आप बिहार के हैं, आप इंडियन हैं, कैटेगरी क्या है वो आपको डालनी है, दिव्यांग है तो वो डालना होगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद में आप सभी को यहाँ पे जेंडर जो आपने पहले बताया था, अगर आपके घर में से कोई एक्स सर्विस मैन से रिलेटेड है तो यस, और इसके अलावा माइनॉरिटी से आते हैं तो यस, अगर नो तो नो। उसके बाद में आपको अपना यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना होगा। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना होगा, यस और नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप अपना परमानेंट एड्रेस डालेंगे, ठीक है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है। उसके बाद में आप यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। फिर आपको अपना लैंडमार्क डालना होगा, साथ में आपको डालना है अपना सिटी जो भी है, फिर आपका पोस्ट ऑफिस, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपको अपना पिन डालना है, और पिन डालने के बाद में आपको अपना पुलिस स्टेशन डालना होगा। उसके बाद में आपको कोई अगर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना है तो भी आप दे सकते हैं। तो ये अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर के बारे में था। आगे लिखा हुआ है करस्पॉन्डिंग, और अगर आपका एड्रेस सेम है तो वही छपा हुआ यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ जानकारियाँ हैं जो आपने पहले दी हुई हैं, प्रोसीड और सेव करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगी। अब यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आप सभी को क्या, फ़ोटो मांगी जाती है। अब जब फ़ोटो मांगी जाती है तो आपको पता है कि एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए वो कुछ केवी के अंदर ही मांगा जाता है, यानी कि आप किसी भी फ़ोटो को अपलोड नहीं कर सकते हैं। आपको कोई ऐसा फ़ोटो अपलोड करना होगा जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो। अब हम इसको यहाँ अपलोड करके देखते हैं क्या वो इसको लेते हैं, तो शायद उन्होंने ये फ़ोटो लिया नहीं है, ले लिया है। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर डालना होगा,
ठीक है, जैसे ही आप सिग्नेचर डालेंगे उसके बाद में यहाँ पर आप आगे कंटिन्यू कर लेंगे। मैंने यहाँ पे अपने जो फोटो वगैरह वो डाल दिए हैं, उसके बाद हम इसको क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप अपनी डिटेल को भरेंगे उसके बाद आप सभी के सामने जो अगली विंडो है वो ओपन हो जाएगी। अगली विंडो ओपन होने के बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। अगर इसमें कोई आपको गलती लगती है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। मुझे इसमें कोई भी गलती नहीं लगती है तो उसके बाद में मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कंफर्म करने के बाद में इंतज़ार करते हैं आगे क्या आता है। आगे आता है कि आपको अपना जो अकाउंट है वो एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी। ईमेल आईडी डालने के बाद में आपको यहाँ पे जो अपना एंटर ओटीपी कोड है वो आपको डाल देना है। आपको जो ओटीपी कोड होगा वो मिल गया होगा, आप 6 अंकों का 6 डिजिट का होगा, उसको आप डाल दीजिए। तो मैं डाल देता हूँ 984, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना डाल दिया है। उसके बाद में आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आगे। सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद में लिखा हुआ है यहाँ पे आप सभी का जो अकाउंट है बन गया है। उसके बाद हमें यहाँ पर लॉगिन करना होगा। जैसे ही हम साइन इन और लॉगिन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपनी लॉगिन आईडी डालनी होगी। तो फोटो अपलोड करने के बाद जो अगला स्टेप आपको देखने के लिए मिलेगा वो होगा आपकी एजुकेशन डिटेल के बारे में। एजुकेशन डिटेल डालने के लिए सबसे पहले आपको अपनी 10th की डालनी है, 12th की डालनी है, ग्रेजुएशन की डालनी है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसकी भी डालेंगे, और अपनी बीएड की डालेंगे। यहाँ पे आपको अपना यूनिवर्सिटी या बोर्ड डालना है, यहाँ पे आपको ईयर डालना है, यहाँ पे स्कूल का इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, कितने मार्क्स आपको मिले थे, साथ ही साथ परसेंटेज भी आपको डाल लेनी है। ये ऑटोमेटिक वैसे तो आ जाएगी लेकिन आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप एजुकेशन डिटेल क्लियर करेंगे उसके बाद में अगला जो सेक्शन होगा वो डॉक्यूमेंट अपलोड को लेकर होगा। अब जब आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको जो सेकेंडरी मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए, हायर सेकेंडरी की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की। इसके अलावा अगर आपने बीएड वगैरह कर रखा है तो उसको लेकर भी आप अपनी जो मार्कशीट है वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद में अगला जो ऑप्शन आपके सामने होगा वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर को लेकर होगा। एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने के लिए आपके सामने जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। आप तीनों में से किसी एक को अपनी जो प्रेफरेंस है वो दे सकते हैं। उसके बाद में आपका जो अगला स्टेप होगा वो प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन को लेकर होगा। जब आपके सामने अगली विंडो ओपन होगी यहाँ पे आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका एप्लीकेशन आईडी, अमाउंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी होंगी। आप इस पर क्लिक करके पेमेंट को यहाँ पे पेमेंट के मोड को चेक कर सकते हैं कैसे आपको पेमेंट करना है। उसके बाद में आप लोग जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। उम्मीद है कि मैंने आप सभी के सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में दे दिए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।